वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं ये सेमेस्टर 3 क्या है, पेपर 7 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर वन में देखिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एलिमिनेट करनी है एच एंड के को। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसे एलिमिनेट करनी होती है और फॉर्म करनी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऐसे गिवन क्वेश्चन है ये टर्म्स, ये और ये तीन क्वेश्चन इससे हम दिए हुए हैं, तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही तीनों आ जाए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर 5 का भी दिया हुआ, पेपर 6 का भी अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें भी है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना रहता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें भी हम चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चार टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ये चारों क्वेश्चन करनी और इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा और इस चैप्टर से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर, देन उसके बाद आती है हमारी ये नेक्स्ट, जो कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालनी होती है। तो कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए ये हमारा एक गिवन क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही सारे क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसी टाइप के। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम तीन क्वेश्चन लिए हुए, कंप्लीट इंटीग्रल इसकी निकालनी है। ठीक है, देन उसके बाद आती है इसकी कंप्लीट एंड सिंगुलर इंटीग्रल निकालनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए हुए, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप क्या है, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस वन दिस दिस एंड हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, इतने सारे क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक, देन उसके बाद आती है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या है, चार्पिट मेथड से। तो ये मेरे चैनल पे अपलोड है चार्पिट मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली में 1 2 3 4 इधर भी सारा अपलोड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके ढूंढ सकते हैं और फिर सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। देन चार्पिट मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो ये चार्पिट मेथड में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है बार बार एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन हम दिए हुए हैं यहाँ पे। क्लियर, देन उसके बाद आती है मॉन्क्स मेथड। मॉन्क्स मेथड से शायद हम नहीं करवाए हुए हैं, अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो मॉन्क्स मेथड से हम बता सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉन्क्स मेथड से आता ही आता है। ओके, मॉन्क्स मेथड से ये हमारी क्वेश्चन कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, देखिए इधर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखिए ऐसे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, देन उसके बाद आ जाती है हमारी क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे देखिए मॉन्क्स मेथड में हमारा एस टी यूज़ हो रहा था ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में एस टी हमारा यूज़ होगा, जो कि एस का यूज़ हो रहा है, देखिए टी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 लिए हुए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए इधर दिख रहा है, हाँ देखिए ये टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अगर इतने सारे क्वेश्चंस करके आप चले जाते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप 3 क्वेश्चन तो इजीली करके आ पाएंगे, 3 से ज़्यादा ही रहेगा, आप लोग का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंजेस है, तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन करना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और सेमेस्टर 4 का ट्यूशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सेमेस्टर 4 का भी हम ट्यूशन करवाते हैं। ओके, सारे सेमेस्टर्स की ट्यूशन भी करवाते हैं। देन देखिए ये हमारा है क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड ये हमारा शायद चैप्टर 10 में है। ठीक है, चैप्टर 10 देख लीजिएगा, तो ये हमारा एक क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक साथ साथ रहेगा। ठीक है, ऑपरेटर मेथड को यूज़ करना है, देन उसके बाद इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 हो गई और इसी में हम और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, ऑपरेटर मेथड से देखिए, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, वहाँ पे 1 था 2 3 4 5 5 क्वेश्चन लिए हुए जो ये ऑपरेटर मेथड से है, ये हमारा साथ में ही है। ठीक है, सब साथ में है। ओके, समझ में आ गई। एंड देन लास्ट वन जो है वो हमारा आया था कॉनिकल फॉर्म में, तो रिड्यूस द इक्वेशन कॉनिकल फॉर्म पी माइनस क्यू इक्वल टू जेड विथ, जो कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, ये निकालना था। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है ओनली 4, अगर 9 आप करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और ट्यूशन करना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। और रही बात
इसके पेपर 5 और पेपर 6 के तो भी अपलोड है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।